सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। एक नए फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, ज़बरदस्त हूँ। सो थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हाँ, पावागढ़ हम जाने वाले, मैं और विशाल। और बहुत दिनों से प्लान बनाया था पर प्लान सक्सेसफुल जा ही नहीं रहा था। तो आज बहुत दिनों के बाद और मेरे बहुत महीनों के बाद व्लॉग आ रहा है। तो न्यू ईयर का मतलब 2023 का एक पहला व्लॉग है। तो हम लोग निकले आज, दो ही लोग हैं। और जाना तो पहले बस का, फिर बैकग्राउंड में नॉइज आएगी। तो अभी सुबह के बज रहे थे और अभी हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ से सीधा हालोल वाला हाईवे पड़ेगा। तो हम लोग अभी पहुँचने ही वाला है हाईवे पे। सो फिलहाल 6 बज रहे हैं और निकलते हैं। तो करीबन बड़ौदा से 60 किलोमीटर है। तो आज संडे तो देखते हैं कि रश ज़्यादा रहेगा। तो अभी हम लोग दो लोग हैं और जाने वाले हैं पावागढ़। तो चलो अभी बातें थोड़ी कम करते हैं और मिलते हैं डायरेक्ट आपको रास्ते पे और सफ़र का मज़ा लेते हैं। गाइस अभी हम करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, मतलब 30 किलोमीटर से अभी हम आ गए आगे। और अभी चाय नाश्ता करने के लिए रुके हैं होटल सर्वोत्तम में। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है पावागढ़ का, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। बहुत ही गजब, मतलब गजब आ रहा है क्योंकि अभी सनराइज़ का टाइम हो रहा है। तो उसके पीछे से जो बैकग्राउंड आ रहा है पावागढ़ का, तो वो देखिए आप। तब तक हम लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं। सो ये रहा मेरे सामने व्यू। तो यहाँ से अभी सनराइज़ हो रहा है तो बहुत ही ऑसम व्यू आ रहा है। तो अभी मैंने इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी लगाई है भाई, बहुत ही गजब। तो चलो अभी फटाफट हम चाय नाश्ता कर लेते हो और निकलते हैं यहाँ से आगे। हम आधे रास्ते तक आ चुके हैं और भाई साहब जो व्यू आ रहा है मेरे पीछे, और पूरा कोहरा ही कोहरा छा गया है। मतलब विंटर का सीज़न है तो फॉग ही फॉग हो रहा है आजू बाजू में। सो अभी हम लोग रुके हैं फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए क्योंकि अभी सनराइज़ हो रहा है तो फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आएंगे। क्या क्या विशाल, तो कैसे फ़ोटोज़ आ रहे हैं अभी? और अभी कैसा लग रहा है, ठंड कैसी है? ठंड भाई आते आते मेरे तो हाथ जम गए पूरे, क्योंकि मैंने हाथ में कुछ ग्लव्स वगैरह पहना नहीं है तो पूरे हाथ जम गए। और अभी सनराइज़ हो रहा है तो थोड़े अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं और फिर जाते हैं ऊपर। और अभी जाना है कितने, 2 किलोमीटर होगा अभी ऊपर जाने के लिए। मैं तो बहुत साल जैसा हो गया, जब रिनोवेशन हो रहा था तब मैं आया था, आफ्टर रिनोवेशन में अभी आ रहा हूँ। तो अभी चलते और पहले फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं। गाइस अभी हम शुरुआत कर रहे हैं और चल के जाने वाले, हम रोप वे में नहीं जाने वाले। तो शुरुआत करते हैं। गाइस अभी चल के हालत ख़राब हो चुकी है पूरी, अभी थोड़ा ही रह गया है ऊपर। तो कैसे रही है हालत? ख़राब, एकदम टाइट हो गई है हालत। तो चलते चलते सांस भी फूल रहा है, तो इसलिए मैं अभी डायरेक्ट ऐसा करता हूँ, डायरेक्ट ऊपर जाके ही आपसे बात करता हूँ। और अब तक आप वीडियो इन्जॉय कीजिए, सिनेमेटिक शॉट्स। तो चलो डायरेक्ट चलते ऊपर और मिलते हैं आपको ऊपर ही, क्योंकि बातें करके करके सांस फूल जाता है इसलिए।
तो अरे चलते हो। सो गाइस, जब ये फर्स्ट टाइम रिनोवेशन हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उसके बाद तो भाई साहब यहाँ पे बहुत इतना रश था, 2 लाख पब्लिक थी। विशाल आया था तू? जैसे ही रिनोवेशन हुआ, ओपन हुआ, उसके बाद विशाल तुरंत ही आ गया था। चलने की जगह नहीं, चलने की उतनी, मतलब उतनी पब्लिक। और अभी एकदम क्लियर है। आज संडे में हैरान हो गया कि संडे है तो भी यहाँ पे रश नहीं है। अच्छी बात है, चलो चलते हैं। सो गाइस, फाइनली अभी पहुँच चुके हैं ऊपर एकदम टॉप पे। सो पब्लिक कम है इसलिए आज अच्छा है। सो फाइनली पहुँच गए। तो यहाँ से अभी नीचे उतर के हम भद्रकाली टेम्पल पे जाने वाले हैं। वहाँ का जो व्यू है बहुत ही औसम है। मैं एक भी बार गया नहीं हूँ, तो ट्राई करूँगा, अभी जाऊँगा। वहाँ पे चढ़ने का नहीं है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जाना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं अभी और दिखाते हैं आपको, दर्शन भी करवाते हैं। चलो विशाल चलो। अभी हमारे महाकाली माँ के दर्शन एकदम अच्छी तरीके से हो गए एंड अभी हम लोग जाने वाले भद्रकाली माता, जो उसके सामने ही पड़ता है, मतलब थोड़ा नीचे आना पड़ता है, उसके बाद दूसरा रास्ता है वहाँ से जाने का। और अभी वहाँ पे जाते हैं और विशाल बोल रहा है कि सीन बहुत अच्छा है वहाँ का, तो फोटोग्राफी भी करते और सिनेमेटिक्स भी लेते हैं। यहाँ पर आप नज़ारा देख ही सकते हो। तो वहाँ पर से यहाँ आए और यहाँ पर एक रास्ता पड़ता है और देखते ऊपर। हाँ भाई साहब, कतई जहर। यहाँ से आते हो तो आपको दिखाता हूँ, वहाँ तक जाना है, वहाँ तक तो करीबन 2 किलोमीटर्स अराउंड होगा, प्रॉपर तो पता नहीं पर उतना होगा। तो ये व्यू है, तो चलो अभी चलते हैं फटाफट यहाँ से। पे जाना पड़ेगा वहाँ तक जाने के लिए। सो थोड़ा एडवेंचर वाला रास्ता है। चल फिर, चल भाई। अभी आपको व्यू दिखा था वो इंजो की जबान 2-3। भाई जन्नत जन्नत जगह। साल कैसा लग रहा है? तो यहाँ पे लाइक मैगी वैगी बनाए तो मज़ा आ जाए, क्या बात है। एक बार प्लानिंग करनी जैसी, यहाँ पे कैंपिंग भी शायद हो सकती है यहाँ पे, किसी को पूछना पड़ेगा। बाकी ये स्पॉट बहुत अच्छा है और इधर जाने की मनाही है। तो यार टेम्पल यहाँ से ही हम नीचे उतरे, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गए कि हमें भी डर लग रहा है। तो अभी थोड़ा यार फ़ोटो शूट करते और रील्स वगैरह शूट करते, उसके बाद जाते हम ऊपर, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, वैसे भी 12 बजने ही वाला है। मैंने आपको बोला ही था क्योंकि फ़ोटो शूट और रील्स के लिए बहुत टाइम जाता है। तो चलो अभी फ़ोटो शूट और रील कर लेते, उसके बाद फटाफट नीचे जाते।
अभी हो गए डन, यहाँ पे फोटोज रील्स भी शूट कर ली है। तो अभी फटाफट से जाते हैं नीचे क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, हमें 4 बजे तक घर पहुँच ही जाना है कैसे भी तरह से। और नीचे जाएंगे, नीचे जाके और कुछ खाएंगे भी, क्योंकि ऊपर तो नाश्ता किया है हमने पर तब भी भूख लगी है वापस, क्योंकि इतना सारा जो एडवेंचर करके आए तो सब ख़त्म हो गया, मतलब भूख लगी है फिर से। तो चलते अभी वापस नीचे, और नीचे जाते जाते मैं थोड़ा व्लॉग कम ही करूँगा क्योंकि एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है नीचे जाने के लिए, और चल के आए हैं इसलिए एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है, इसलिए अभी डायरेक्ट जाते हैं नीचे। तो नीचे जा के डायरेक्ट आपको मिलते हैं। तो विशाल ब्रो हो गया डन आपका, तो चलो अभी चलते हैं। चलिए गाइस अभी आ चुके हैं हम नीचे, और अभी एक्टिवा लेंगे और जाएंगे सीधा नीचे, और नीचे जाके देखते हैं कहीं खाना मिलेगा तो खाएंगे। वैसे भूख लगी है, थोड़ी थोड़ी लगी है मुझे तो। सो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं वापस घर पे, और डीजल ब्रो को उतर के मैं सीधा आ गया घर पे, फ्रेश ब्रेश हुआ एंड देन अभी ब्लॉग एंड करने की बारी है। तो बस इतना ही था आज के लिए, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक भी करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। ये 2023 का पहला फर्स्ट ब्लॉग है, तो बहुत दिनों से प्लान बना हुआ था, मैंने सोचा चलो फटाफट प्लान सक्सेसफुल कर लिखा भी पड़ते। तो मैं हमेशा गए थे, तो जो भद्रकाली टेम्पल गए थे वहाँ के जो सिनेमेटिक्स है आपको कैसे लगे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं आपको ऐसे बेहतरीन ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय।